भागलपुर में हुए लोकसभा चुनाव मतगणना कल सुबह 8 बजे से बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू होगी। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी भागलपुर के द्वारा इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं रिजल्ट को लेकर हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। लोकसभा क्षेत्र 26 में कुल 6 विधानसभा है, वही अलग अलग राउंड में गिनती होगी। बता दें कि मतगणना कक्ष में गणना हेतु 14-14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं सभी टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। वहीं पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हेतु एवं ETPBS की गणना हेतु 10 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित संपन्न करने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्र का निर्माण, बैरिकेडिंग, मतगणना कक्ष की तैयारी, मतगणना केंद्र में मतगणना के दौरान निर्बाध विद्युत की आपूर्ति एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर पहले ही समीक्षा कर ली है। मतगणना केंद्र में CCTV, वीडियोग्राफी, मीडिया केंद्र, नियंत्रण कक्ष का भी स्थापना किया गया है। वहीं मतगणना स्थल पर प्रातः 5:30 बजे से कर्मियों को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना आई कार्ड के किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित है। साथ ही किसी व्यक्ति का मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप अवगत हैं कि कल 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होना है, जिसके लिए हमने व्यापक स्तर तैयारियां कर लिया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम है और स्ट्रांग रूम में भी 3 लेयर की सिक्योरिटी है। इसके अलावे अतिरिक्त पुलिस बल की सिक्योरिटी पूरे शहर में लगाई गई है और ख़ास करके जो मतगणना केंद्र हमारा पॉलिटेक्निक बरारी में है उसके आसपास में सिक्योरिटी का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने 2 अलग अलग प्रवेश द्वार से अपने जो काउंटिंग एजेंट जो हमें मतगणना में सहयोग करेंगे उसके लिए अलग प्रवेश द्वार है जो कि पॉलिटेक्निक में फ्रंट गेट से है और एक और दूसरा गेट भी पॉलिटेक्निक का है जो बैक है जहाँ की वहाँ लगाने की सुविधा है। उस गेट से हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके एजेंट रहेंगे, उनको एंट्री करने की वहाँ से हमने व्यवस्था किया है और सभी एंट्री करीब 5 बजे सुबह से ही लोगों को हम लोग प्रॉपरली फ्रिस्क करके और ये इंश्योर करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाए। मोबाइल है, कैलकुलेटर है, उसके बाद लैपटॉप है और आईपैड है या कोई भी ऐसा डिजिटल इक्विपमेंट्स जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। सभी कैंडिडेट को भी इसके संबंध में डिटेल में ब्रीफ कर दिया गया है और सभी लोग अवगत हैं। ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ 2 ऑब्जर्वर साहब आ चुके हैं जो कि अभी केंद्र का भ्रमण भी करने गए हैं और मैं और SSP साहब भी अभी दोबारा हम लोग विजिट करेंगे और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटिंग को शुरू कराएंगे। 8:30 काउंटिंग शुरू हो जाएगी लेकिन उससे 3 घंटा पहले से हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। आप अवगत हैं कि धारा 144 अभी लगी हुई है पूरे ज़िले में है और ख़ास करके मतगणना केंद्र के आसपास इसको हम लोग विशेष रूप से इन्फोर्स भी करा रहे हैं तो कहीं भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है और ऐसा कुछ भी कभी होगा तो अनुमति ले करके ही निकालेंगे। और धारा 144 में 5 या 5 से अधिक लोगों का मजमा वो अवैध करार दिया गया है और एक्सेप्ट की मतगणना कर्मी पे या जो अभ्यर्थियों के एजेंट रहेंगे उन पे ये लागू नहीं होगा और मतगणना परिसर में ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा सभी जगह पे हम लोग इसको इन्फोर्स कराएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद इंडिया अलायंस भड़क उठा है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मीडिया पर भड़क रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी ने सभी प्रत्याशियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में नेताओं को एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई। वहीं अजीत शर्मा ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस 30 से अधिक सीटें जीत रही है। भागलपुर हमारी जीत हो रही है लेकिन एग्जिट पोल में हमारी हार है। भाजपा ने चैनल को खरीदा है। बैठक में हमें यह कहा गया कि किसी भी नतीजे के चक्कर में ना पड़े, हमारी जीत हो रही है, हमारी सरकार बन रही है। काउंटिंग हॉल में जो भी कार्यकर्ता रहेंगे वो अंत तक डटे रहे, इसकी सलाह दी गई है। इस सब मीडिया जो भी दिखा रहा है ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है। 4 तारीख को गिनती होने दीजिए, जनता निर्णय लेगी कौन जीतेगा नहीं, वो निर्णय ले चुका है और 4 तारीख को बताएगा। और जो जो सीट सरकार हमारे इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें भी जनता का रिपोर्ट है, जनता ही मालिक होता है, जनता ही जिताती है। गिनती 4 को होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
और आपको बता दें इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जहां तक भागलपुर का, चूंकि मैं वहां से लोकसभा प्रत्याशी भी हूं और मैं यहां से विधायक भी हूं, मैं बता दूं भागलपुर की जनता ने जो प्यार स्नेह दिया है और जो मुझे सूचना है, ये सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। और मैं सभी वर्कर्स को आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, जो भी काउंटी एजेंट बने हैं, घबराइए मत, ये लोग आपको निराश करने का काम कर रहा है, आप डटे रहिए, सुबह काउंटिंग से लेके शाम जब तक खत्म नहीं हो डटे रहिए, जीत इंडिया गठबंधन की होगी और महागठबंधन बिहार में होगा और भागलपुर में कांग्रेस की जीत होगी। एग्जिट पोल में एक और जहां एनडीए को बढ़त मिलने की बात कही गई है, वहीं इंडिया गठबंधन को इसमें कम सीट मिलना बताया जा रहा है। अब इस एग्जिट पोल को लेकर भागलपुर जदयू की मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिशुपाल भारती ने घमंडिया गठबंधन के घमंड चकनाचूर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े काफी हद तक सही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि 400 सीट हम देश में जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 हम जीतेंगे। चुनाव गुंडागर्दी से नहीं हुए हैं, साफ सुथरे चुनाव हुए हैं, जनता को जनमत मिलेगा। हमारे पार्टी के तरफ से पूरी तैयारी है, एनडीए गठबंधन के लगभग 100 के संख्या में साथीगण जो है कल काउंटिंग हॉल में जाएंगे और पूरे काउंटिंग प्रक्रिया को अपने स्तर से देखेंगे और हमारा जीत सुनिश्चित है। और हमारा जीत का जो अंतराल है वो लगभग 3 लाख से ऊपर का होगा। पूरा एनडीए गठबंधन भागलपुर में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है और बेसब्री से कल का इंतजार हो रहा है, गिनती का इंतजार हो रहा है। बिहार में हम 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग 39 सीट तो पहले से जीते हुए थे। हम लोग पूरी कोशिश करके किशनगंज सीट को भी जीतने में लगभग हम लोग सफल हैं। जो पोल एग्जिट पोल आया है, 40 का 40 सीट बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रहा है और देश में हम लोग 400 पार करके लगभग 419 सीट जीत रहे हैं और देश में पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। एग्जिट पोल पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम लोग का जो कार्यकर्ता का अपना एग्जिट पोल है, पूरे देश के एनडीए गठबंधन के जो साथियों का एग्जिट पोल है, वो 419 के लगभग आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की नवचिया के नारायणपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नवचिया नारायणपुर की इंदिरा चौक भ्रमरपुर चौक के पास बस और पिकअप में टक्कर हो गई। घटना के समय बस में करीब 20 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि घटना की जानकारी के बाद डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस नवचिया से नारायणपुर की तरफ जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से नारायणपुर की तरफ से नवचिया आ रही पिकअप वाहन
से भीषण टक्कर हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी हम कामाख्या के दर्शन करके आए और अब गया जी हो बनारस होते हुए अपने घर जाते हैं। यूपी मेरठ में हमारा घर है। ये कितने बजे घटना घट गई? ये अभी एक से डेढ़ घंटे पहले की बात है। साढ़े सात आठ बजे करीब की बात है। तो कोई घायल या किसी को कुछ नुकसान? ड्राइवर और एक दो यात्री घायल है। ड्राइवर का चोट है, यात्रियों का एक दो का चोट है। वो उपचार के लिए गए हुए हैं अस्पताल में। टेम्पू वाले ने मारी टक्कर, बस बैलेंस बिगड़ गया। अब बस शुक्र ऊपर वाले का बची गई, सारी सवारी हमारी बची गई। बस चोट तो थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन हमारे ड्राइवर के जरा कुछ ज्यादा जी। क्या नाम? ओवरटेक कराए छोटा गाड़ी वाले ने। छोटे गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया था। ओवरटेक में दुर्घटना हुआ। कितने लोग जख्मी है? जख्मी दो लोग। मृतक है? मृतक भी है? कोई मृतक नहीं है, बस खाली जख्मी है। जख्मी दो लोग हैं। वो बस में बैठे हुए जख्मी है या पिकअप में बैठे हुए जख्मी? हम लोग बस वाले, एक ड्राइवर है, एक हलवाई है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के ओलनी टोला में एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर जख्मी कर दिया गया। पीड़ित युवक ने बताया कि मैं अपने साथी मनसोख कुमार के साथ बासा पर जा रहा था, तभी इशारे से लड़की ने रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया, जिसके बाद शिवनंदन मंडल, उमेश कापरी, निरंजन मंडल, मिथुन मंडल सहित घर वाले ने मिलकर पकड़ लिया और अपने घर के अंदर ले जाकर बेरहमी से मेरी पिटाई कर दी। इस घटना की जानकारी पीड़ित लड़के के परिजनों को मिलते ही पुलिस को 112 नंबर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर युवक को रेफर अस्पताल पीरपैंती लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। पीड़ित युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। पीड़ित युवक की मां बबीता देवी ने बेटी की जख्मी स्थिति में देख थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलते ही SDPO2 अर्जुन गुप्ता, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सहित 112 की टीम अपने दल बल के साथ उपस्थित रही। SDPO2 के द्वारा निर्देश दिया गया कि जल्द जल्द घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लड़का लड़की के मामला है। क्या हुआ था? रोड पर बोला था यार, इशारा मार के बोला ये कौन पे है ना, बोला लीजिए सब। घर घिंच के मारा था। हम भी घर में नहीं, मेरा पति भी नहीं घर में, सुने में मारा। कैसे पता चला कि मारपीट हो रहा है? पता चला गांव के आदमी फोन किए है, गोगे में मायके के पास है, गोगे में पता चला। फोन किए कोई नहीं तो हम सब आए प्रशासन को फोन किए तब हम यहाँ पर आए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद निवासी गणेश कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद पिछले 13 मार्च से गणेश लापता हो गए हैं। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता पता नहीं चला। लापता होने के 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश से किसी ने फोन पर जानकारी दी कि सड़क दुर्घटना में गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों से परिजनों ने संपर्क किया। घायल अवस्था में गणेश को भागलपुर लाया गया। यहाँ पर सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने मायग अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां से फिर पटना PMCH रेफर कर दिया गया, जिसके बाद PMCH में इलाज करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। चोट गंभीर होने की वजह से सोमवार को गणेश की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि सुल्तानगंज के शाहबाद गांव में 13 मार्च को शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से गणेश निकला था, उसके बाद से ही गणेश लापता हो गया। यूपी के लोगों ने जानकारी दी कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। एम्बुलेंस के साथ आया तो हम 1500 रुपया दिए गाड़ी वाले को और बोला गुंची इसको आप रख, मतलब इसका इलाज ट्रीटमेंट कराइए। तो हम ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने सदर अस्पताल, मतलब कि रेफरल अस्पताल सुल्तान ले गए। इसके दरियान जो है ना रेफरल अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि हाँ मायागंज आए। मायागंज से भी 15-20 दिन इलाज हुआ, उसके बाद जो है ना PMCH पटना को ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पर भी 15-20 दिन हुआ, उसके दरियान फिर घर मतलब बोला कि जाइए आप, थोड़ा घाव छूटेगा तभी आइएगा। तो उसके दरियान जो है ना विशाल घाव हो गया था, तो फिर उसके बाद एम्स हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर उसको नहीं एडमिट लिया, सब चीज़ देख लिया। वहाँ से घर वापस आए, उसके बाद जो है ना इलाज कराने लगे। एक ही दिन तो हुआ था, दूसरे दिन तो डेट ही कर गया।
सबौर प्रखंड के पीछे स्थित बजरंगबली मंदिर को तोड़ने का आदेश सबौर के अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। अतिक्रमण नोटिस भी दिया गया है, नोटिस 4 व्यक्तियों को मिला है। अतिक्रमण पूरे अंचल में है लेकिन किन्हीं को भी अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया गया है, मात्र 4 व्यक्ति को नोटिस दिया गया। इसको लेकर अंचलाधिकारी सबौर को आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी ग्रामीण डीएम ऑफिस आवेदन लेकर गए लेकिन आवेदन वहां भी नहीं लिया। इसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर बहुत पुराना है, अंचल परिसर में एकमात्र मंदिर है जिसमें हम सभी ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया है। रास्ता दिया जाए बजरंगबली पूजा करने के लिए, सब लोग महिला लोग आती है पूजा करती है वहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं कि पूजा मतलब हम लोग को थोड़ा सा जगह दिया जाए। उतना तो है नहीं जमीन, थोड़ा सा मेरा पर्सनल जमीन है, थोड़ा सा सरकारी है, तो पूरा सरकारी लेते तो अलग मैटर था कि हाँ उसको तोड़ दिया जाए, दोनों मिला हुआ है थोड़ा सा जमीन के लिए तोड़ा जा रहा है, ये तो गलत बात है ना। और कई जगह है वहाँ पे भी तो मंदिर ऐसे ही बना हुआ है, वहाँ पे नहीं जा रहा है नोटिस, सिर्फ यहीं पे नोटिस क्यों आ रहा है। जाना है तो पूरा तोड़िए तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक वो तोड़िएगा तो तब प्रॉब्लम तो होगा ही, तब हम लोग भी आगे कुछ करेंगे। पूरा प्रखंड में अतिक्रमण है क्या? हाँ पूरा है, सारे को नोटिस गया है? सारे को नोटिस नहीं गया है, सिर्फ 4 ही 2 ही घर क्यों जा रहा है, ये तो बदमाशी ना हो रहा है। ये नोटिस दे रहा है संतोष कुमार सिंह को, तो बजरंग बली को नोटिस देना चाहिए नोटिस। ये किस सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन थोड़ा सा है और निजी अपना जमीन है, निजी अपना जमीन है, वहाँ पे बजरंग बली बैठा है। एकदम मिले तो सीओ से, सीओ बोला कि करवा ना हटाइए, निक के दीजिएगा। क्या तारीख को मिले तो क्या लिख के देना है? लिख के दीजिएगा, करवान हटाइएगा, अतिक्रमण। हाँ तो बोले ना कि मंदिर है तो मंदिर में क्या अतिक्रमण होता है? सीओ बोला कि हम भी मंदिर में पूजा करते हैं बजरंग बली को। ये बात सीओ साहब बोले कि बजरंग बली का मंदिर टूटेगा? हाँ बजरंग बली का मंदिर टूटेगा सीओ बोला। सबौर प्रखंड के पीछे स्थित बजरंगबली मंदिर को तोड़ने का आदेश सबौर के अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। अतिक्रमण नोटिस भी दिया गया है, नोटिस 4 व्यक्तियों को मिला है। अतिक्रमण पूरे अंचल में है लेकिन किन्हीं को भी अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया गया है, मात्र 4 व्यक्ति को नोटिस दिया गया। इसको लेकर अंचलाधिकारी सबौर को आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी ग्रामीण डीएम ऑफिस आवेदन लेकर गए लेकिन आवेदन वहां भी नहीं लिया। इसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर बहुत पुराना है, अंचल परिसर में एकमात्र मंदिर है जिसमें हम सभी ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया है। रास्ता दिया जाए बजरंगबली पूजा करने के लिए, सब लोग महिला लोग आती है पूजा करती है वहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं कि पूजा मतलब हम लोग को थोड़ा सा जगह दिया जाए। उतना तो है नहीं जमीन, थोड़ा सा मेरा पर्सनल जमीन है, थोड़ा सा सरकारी है, तो पूरा सरकारी लेते तो अलग मैटर था कि हाँ उसको तोड़ दिया जाए, दोनों मिला हुआ है थोड़ा सा जमीन के लिए तोड़ा जा रहा है, ये तो गलत बात है ना। और कई जगह है वहाँ पे भी तो मंदिर ऐसे ही बना हुआ है, वहाँ पे नहीं जा रहा है नोटिस, सिर्फ यहीं पे नोटिस क्यों आ रहा है। जाना है तो पूरा तोड़िए तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक वो तोड़िएगा तो तब प्रॉब्लम तो होगा ही, तब हम लोग भी आगे कुछ करेंगे। पूरा प्रखंड में अतिक्रमण है क्या? हाँ पूरा है, सारे को नोटिस गया है? सारे को नोटिस नहीं गया है, सिर्फ 4 ही 2 ही घर क्यों जा रहा है, ये तो बदमाशी ना हो रहा है। ये नोटिस दे रहा है संतोष कुमार सिंह को, तो बजरंग बली को नोटिस देना चाहिए नोटिस। ये किस सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन थोड़ा सा है और निजी अपना जमीन है, निजी अपना जमीन है, वहाँ पे बजरंग बली बैठा है। एकदम मिले तो सीओ से, सीओ बोला कि करवा ना हटाइए, निक के दीजिएगा। क्या लिख तारीख को मिले तो क्या लिख के देना है? निक के दीजिएगा, करवान हटाइएगा, करवान अतिक्रमण। हाँ तो बोले ना कि मंदिर है तो मंदिर में क्या अतिक्रमण होता है? सीओ बोला कि हम भी मंदिर में पूजा करते हैं बजरंग बली को। ये बात सीओ साहब बोले कि बजरंग बली का मंदिर टूटेगा? हाँ बजरंग बली का मंदिर टूटेगा सीओ बोला।